सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमोन को स्टार्ट हुए 25 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि पोकेमोन कभी एंड हो। बट फिर भी आप लोगों ने कभी न कभी ये सोचा होगा कि अगर पोकेमोन कभी एंड हुआ तो उसके एंड होने की स्टोरी क्या हो सकती है और क्या गलार के बाद एश की जर्नी या फिर पोकेमोन एंड हो जाएगा। तो आज हम ऐसे पोकेमोन के एंडिंग की कुछ थियोरीज या फिर स्टोरीज देखने वाले हैं और अगर कभी पोकेमोन एंड होता है तो ऐसी स्टोरीज हो सकती है। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले काफी लोगों को डाउट है कि पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने के बाद ऐश अपनी जर्नी एंड कर देगा या फिर पोकेमोन वहीं पे एंड हो जाएगा। बट नहीं, ऐश अभी और ट्रैवल करेगा एंड पोकेमोन एनीमे अभी एंड नहीं होने वाला। और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना के रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी के लिए स्टार्ट करते हैं थियोरी नंबर 1 के साथ। वेल 2008 में एक इंटरव्यू में पोकेमोन के डायरेक्टर मसामित्सू हिडाका ने स्टेट किया था कि अगर ऐश पोकेमोन मास्टर बन गया तो वो पोकेमोन एनीमे का लास्ट एपिसोड होगा। तो हाँ, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि अगर ऐश पोकेमोन मास्टर बन गया तो वो पोकेमोन का लास्ट एपिसोड होगा। और हाँ, भले ही लियोन स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का, बट उसको हराने का मतलब पोकेमोन मास्टर बनना नहीं होता है। और ये ऐश ने खुद पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 6 में बताया था, जहाँ पे गो पूछता है कि क्या पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होने का मतलब पोकेमोन मास्टर बनना होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होने का मतलब पोकेमोन मास्टर नहीं होता, बल्कि पोकेमोन मास्टर उससे कहीं ज्यादा होता है। तो हाँ, डेफिनेटली लियोन को हराने के बाद ऐश अपनी जर्नी एंड नहीं करेगा। और हो सकता है कि लियोन को हराने के बाद ऐश अपने फादर से फाइट करे, जिसको जीतने के बाद वो पोकेमोन मास्टर बन जाए, क्योंकि हमको पता है कि ऐश के फादर कितनी बड़ी मिस्ट्री है पोकेमोन एनीमे की। और अगर हमें ऐसी कोई बैटल देखने को मिलती है तो ये परफेक्ट एंड हो सकता है पोकेमोन एनीमे का। नंबर 2, तो पोकेमोन एनीमे ओरिजिनली सिर्फ एक ही सीरीज के बाद एंड होने वाला था, क्योंकि वो पोकेमोन गेम्स को प्रमोट करने के लिए बना था। बट आगे जाके पोकेमोन एनीमे की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हो गई, जिस वजह से वो अभी भी चल रहा है। बट उस टाइम पोकेमोन को एंड करने की स्टोरी भी सोच ली गई थी। इनफैक्ट हमें पोकेमोन की एंडिंग पोकेमोन की फर्स्ट मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में देखने को भी मिलने वाली थी। इस मूवी का एक ट्रेलर जापान में रिलीज हुआ था, जिस ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि मिस्ट्री बड़ी हो चुकी है एंड उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है जो कि बिल्कुल ऐश के तरह दिख रही थी। और फिर वो बच्ची हमें पिकाचू के साथ भी दिखाई जाती है, जो कि ऐश का पिकाचू हो सकता है। तो हाँ, इस सीन को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस मूवी के एंडिंग में ऐश और मिस्ट्री की शादी हो जाती है एंड उनकी हमें एक बच्ची भी दिखाई जाती। और ऐसे ही पोकेमोन एनीमे एंड होता, बट आगे जाके इसको ड्रॉप कर दिया गया और फिर इस मूवी के पूरे स्टोरी लाइन को ही चेंज कर दिया गया था। तो हाँ, ऑफिशियली ऐसे ही पोकेमोन एनीमे की एंडिंग होने वाली थी। तो हो सकता है कि आगे जाके हमें ऐसा वापस देखने को मिले कि ऐश बड़ा हो जाए एंड उसकी शादी किसी पोकी गर्ल के साथ हो जाए एंड वहीं पे पोकेमोन एनीमे एंड हो जाए। और नंबर 3, एक नए करेक्टर का आना या फिर ऐश को रिप्लेस कर देना। तो अगर ऐसा होता है तो पोकेमोन तो एंड नहीं होगा, बट ऐश की जर्नी एंड हो जाएगी। और अगर कोई करेक्टर ऐश को रिप्लेस करता है तो वो करेक्टर गो हो सकता है, क्योंकि गो ने इतने कम टाइम में ऐश से ज्यादा पोकेमोन्स को कैच कर लिया है। और पोकेमोन जर्नी में ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक पुराने करेक्टर का रिटर्न आना और ऐश का तीनों फेनोमेनन्स को यूज करना और ऐश का फैन फेवरेट पोकेमोन्स को पकड़ना एंड उसके सारे पोकेमोन का रिटर्न आना। तो हाँ, ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें काफी रेयरली देखने को मिलती थी, बट इस बार वो सब काफी कॉमन हो गई है और गो भी धीरे धीरे बैटल करना सीख रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि गो आगे जाके ऐश को रिप्लेस कर ले और जब ऐश अपने ड्रीम को कंप्लीट कर लेगा तो हमें गो की स्टोरी देखने को मिले। नंबर 4, लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमोन्स को कैच करना। तो पोकेमोन की फर्स्ट मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में म्यूटू खुद को पोकेमोन मास्टर बताता है। तो हो सकता है कि ऐश अगर लेजेंडरी मिथिकल या फिर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को कैच कर ले तो वो पोकेमोन मास्टर बन जाए, जैसे कि म्यूटू, रेकवाजा या फिर आरसीएस। तो हाँ, ये काफी वियर्ड है बट स्टिल पॉसिबल है। नंबर 5, तो ये वाली स्टोरी पोकेमोन के हेड राइटर यानी कि ताकेशी शुडो ने बताई थी। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐश की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है एंड वो पुराने मेमोरीज को याद कर रहा है एंड फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, बट इस बार उसका गोल पोकेमोन मास्टर बनना नहीं होता, बल्कि वो दूसरों और पोकेमोन के साथ रहना सीखना चाहता था और ऐश के पूरे पोकेमोन मास्टर बनने की जर्नी फेक थी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं भी नहीं चाहता कि पोकेमोन एनीमे एंड हो, बट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।